अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान आशना और आज मैं बनाने जा रही हूँ सबकी मनपसंद भिंडी। बहुत ही आसान तरीके से बनाऊँगी, यकीनन आपको पसंद आएगी। स्टोर फ्राई कीजिएगा। मैंने यहाँ पर 2 किलो के करीब भिंडी ले ली। इसको अच्छे से वॉश करने के बाद ड्राई कर लिया है। आप जो है वो पंखे के नीचे रख के ड्राई कर लें या फिर धूप में। मैंने जो है मीडियम साइज़ भिंडी का काट लिया है। और भिंडी बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए उसको देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो है वो लेमन का एक छोटा सा टुकड़ा रखा है मैंने, और 2 चम्मच के करीब जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट है। 1 प्याली के करीब हमने हरी मिर्च काट ली है। 2 प्याली हमने ली है टमाटर के, और 2 प्याली के करीब ही हमने प्याज ले लिया है। अब इसमें जो मसाले ऐड होंगे हम इसे एक अलग बर्तन में निकाल के रख लेंगे ताकि हमें अपनी रेसिपी तैयार करने में आसानी हो। मैंने यहाँ पर जो है वो सूरख मिर्च ली है 3 चम्मच के करीब, और 1 चम्मच हम इसमें और ऐड करेंगे धनिया पाउडर का, और उसके बाद जो है वो 1 चम्मच आएगा ज़ीरा पाउडर का, 1 चम्मच जो है वो हल्दी पाउडर जाएगा, नमक जो है वो आप हंसपे सहका ले सकते हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर जो हूँ 2 चम्मच ले रही हूँ नमक के। चले आए अब हम अपनी रेसिपी को तैयार करते हैं। मैंने जो है वो चूल्हा ऑन कर लिया है। हम अपनी कढ़ाई में 3 कप के करीब जो है वो कुकिंग ऑयल डालेंगे। कुकिंग ऑयल को जो है वो अच्छे से गर्म कर लेंगे। ठंडे ऑयल में कभी भी भिंडी नहीं डालिएगा वरना भिंडी आपकी टूट जाएगी। हमारा ऑयल जो है वो तकरीबन गर्म हो चुका है। अब हम इसमें भिंडी को ऐड कर देंगे। और भिंडी को जो है वो हमने ऐड कर लिया है। अब जो है वो हम बिल्कुल नरम और हल्के हाथों से चमचा हिलाएंगे, बिल्कुल यूं। ज़्यादा चमचा हिलाने से भिंडी आपकी टूट सकती है, इसलिए आप कोशिश कीजिएगा बिल्कुल चमचा ऐसे ही लगाना जैसे हम बिरयानी का मसाला मिक्स करते हैं, हमारे चावल ना टूट जाए, बिल्कुल ऐसे ही। भिंडी को जो है वो हम लाइट ब्राउन कलर देंगे। भिंडी हमारी फ्राई होने लग चुकी है। जी आप देख लें भिंडी जो है वो हाफ फ्राई हो चुकी है। भिंडी अब बिल्कुल रेडी है, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा और फ्राई करूँगी क्योंकि हमारे घर में थोड़ी सी क्रिस्पी खाई जाती हैं, इसलिए अपने घर के हिसाब से मैं इसको थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। जी भिंडी बिल्कुल फ्राई हो चुकी है। अब तकरीबन हम जो है भिंडी और ऑयल अलग नहीं करेंगे। अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि भिंडी को अलग करके मसाला बना के फिर लास्ट में भिंडी को ऐड करते हैं। हम इसमें जो है वो डायरेक्ट ही मसाले वगैरह ऐड करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही टेस्टी बनेगी। जी जनाब, अब मैं यहाँ पे डालूँगी टमाटर जो हमने काट के रखे थे 2 कप के करीब, और हरा प्याज 2 कप के करीब था, और 1 प्याली जो है वो सब्ज़ मिर्च, और 2 चम्मच के करीब हमारे पास जो था वो अदरक लहसुन का पेस्ट था। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले जो हमने तैयार करके रखे थे वो डालेंगे। हमने 5 से 6 मिनट के लिए इसकी भुनाई करनी है। जी आप चेक कर लें भिंडी बिल्कुल नहीं टूटी, बहुत ही प्यारा कलर आया है, बहुत ही अच्छी लग रही है। अब हम लास्ट में इसमें जो लेमन का एक छोटा सा टुकड़ा रखा था उसका रस डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। भिंडी को जो है वो आपने चूल्हा ऑफ करने के बाद
ढकना नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ देना है, क्योंकि अगर आप ढक के रख देंगे तो फिर भिंडी भाप की वजह से सॉफ्ट हो जाएगी। जी मैंने अब जो है वो चूल्हा बंद कर दिया है, हमारी भिंडी जो है वो बिल्कुल रेडी है, आप चेक कर लीजिए, माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया है और टेस्ट तो बहुत ही मज़े का है। आप ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कैसी लगी आपको ये आज की रेसिपी।